तो अब देखो यहाँ पे पुली के लिए हम सबसे पहले कॉमन एग्जांपल बताए थे कि हम लोग कुएं से पानी निकालते तो रस्सी नीचे खींचते हैं, बाल्टी ऊपर आता है। तो पुली तुम्हारा काम, हम ये चीज बताए हैं, ऐसा मशीन जो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है, 1। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के लिए तुमको हम बताए थे पुली कैसे काम करता है तुम्हारा। तो तुम्हारे सामने बुक है तुम्हारा, ये देख लो पुली जो पढ़ने वाले आज हम लोग, क्या पढ़ने वाले देख। तो हम लोग पढ़े थे भैया सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में। तो सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होता है, तुम देख, यहाँ से हम सीलिंग पे क्या करते हैं, ऐसे करके एक पुली लटका दिए। पुली कैसा होता है भैया, एक चक्का होता है और जिसमें एक ऐसे एक्सल लगा रहता है, तो यही एक्सल पे ये गोल गोल घूमता है। इसको व्हील और एक्सल अरेंजमेंट बुलाते हैं, व्हील और क्या बुलाते हैं, एक्सल अरेंजमेंट। ये एक्सल रॉड ऐसे गया है और इसी पे ये क्या करता है, घूमता है, जैसे हम लोग क्या गाड़ी हो या चक्का या स्कूटी या बाइक सबका टायर होता है वैसे ही। तो भैया पुली भी ऐसा है, इसमें क्या होता है, एक रस्सी ऐसे करके घूम के ऐसे चला जाता है, ठीक है भैया। आप देखिए इस बाल्टी को बांध देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लड़का इसको पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा है नीचे की तरफ, क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये बाल्टी जो है वो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो भैया बाल्टी जो है वो लोड हो गया, बाल्टी जो है वो क्या हो गया, लोड हो गया। लड़का जो फोर्स लगा रहा है वो क्या हो गया आपका, एफर्ट हो गया, वो क्या हो गया, एफर्ट। दूसरा चीज यहाँ पे बताएं कि क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग है, हम लोग सब जानते हैं स्ट्रिंग जो है फोर्स लगाता है, जिसको टेंशन बुलाते हैं, जिसको क्या बुलाते हैं, टेंशन। मान लो तुम लोग पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट को हम लटकाएं तो यहाँ पे वेट लग रहा है नीचे, इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ लगेगा, नीचे। और भैया एक फोर्स रस्सी भी लगा रहा है जो कि है टेंशन, वो किस साइड लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है। और हम लोग सब जानते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे डब्ल्यू और टी बराबर है, डब्ल्यू और टी क्या है, बराबर। तो भैया यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे डब्ल्यू ज्यादा हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा, तो रस्सी टूट के क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, रस्सी टूट के क्या हो जाएगा, नीचे। लेकिन रस्सी इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो इसका ये कारण है कि भैया यहाँ पे W और T बराबर है और ये इक्विलिब्रियम में है। ये क्या चीज में है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखिए, यही चीज को हम यहाँ पे रिलेट करना चाह रहे हैं, लड़का इसको नीचे खींच रहा है, लड़का फोर्स लगा रहा है नीचे, लेकिन टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर। रस्सी हमेशा टेंशन किधर लगाएगा, ऊपर। अब भैया ये रस्सी आपस में कनेक्टेड है, ये रस्सी आपस में क्या है, कनेक्टेड। तो भैया लोड यहाँ पे भी, वेट लग रहा है नीचे और टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर भैया आप यहाँ बताएं हम लोग को कि एफर्ट नीचे लग रहा है, ठीक है, हम इधर वाले सबको मिटा देते हैं, जरा सा देखना। यहाँ पे भैया आप बोले हम लोग को कि एफर्ट जो है, एफर्ट जो है वो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो एफर्ट को बैलेंस कौन कर रखा है भैया, ये वाला टी बैलेंस कर रखा है। तो एफर्ट किसके बराबर आ गया, टी के बराबर आ गया। उसी तरह भैया यहाँ पे देखो, जो W है उसको लोड बुला रहे, L, ठीक है। तो लोड भी जो है ये ऊपर की तरफ, जो इसको बैलेंस कर रखा है वो कौन है, T हो गया। तुम लोग सब जानता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, साथ बता मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सैम तुम बता। सब सो गया क्या सैम, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू, देखो आयुष तुम बता, लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट, क्या सोच रहा है दोनों, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट। भैया यहाँ पे लोड जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, टी के बराबर, ठीक है। टी एक फोर्स और कुछ नहीं, कांस्टेंट में, और ई भी जो है वो क्या है, फोर्स है। तो भैया ये टी और टी हो गया, तो भैया टी और टी कट गया, ये कितना आ गया, वन आ गया। तो आप देखिए भैया यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो किसके बराबर आ गया, वन के बराबर आ गया। और तुम लोग को बताएं, अगर कोई मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज वन के बराबर होता है, वो क्या चीज की तरह काम करता है भैया, वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट करता है। तो देख कितना सुंदर सा यहाँ डायग्राम भी दिख रहा है कि भैया ये एफर्ट नीचे लगा रहा है और मेरा ये जो मूव कर रहा है वो कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो सिंपल सा यही लॉजिक है इसके पीछे, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे यही बात बताया है और यही हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। तो सिंगल फिक्स्ड पुली सिर्फ तुम्हारा क्या करता है, फोर्स को, एफर्ट को मदद करता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया जा सके। इससे ये फायदा मिलता है कि वी कैन अप्लाई द फोर्स ऑफ आवर वेट ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम उसको खींचने के लिए अपना पूरा बॉडी का वेट लगा सकते हैं। अभी इस पे पकड़ के लटक जाओ इसको, ठीक है, रस्सी को, तो तुम वहां पे अपना पूरा क्या लगा दोगे, वेट लगा दोगे। लेकिन अगर यही चीज को ऊपर खींचना रहता तो तुमको बहुत ज्यादा फोर्स लग जाता, तब जाके दिक्कत होता। तो यही फायदा होता है इसका कि यहाँ पे हम लोग फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा सकते हैं। यही चीज हम लोग डिस्कस भी किए थे लास्ट क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अभी वापस देखेंगे। तो यहाँ पे मेन चीज जो तुम लोग को आज करना है, ये एफर्ट को टी के बराबर जो किए इधर,
और इधर लोड को टी के बराबर किए, वो चीज पे आज फोकस करना है। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे उस पे तुम लोग को और अच्छे समझ में आएगा, अभी बस ध्यान रखना। सेकंड इसमें सबसे पहला बात ये भी बताए थे, यहाँ पे हमको ये पुली को मासलेस कंसिडर करना है, ये पुली का कोई भी मास नहीं है, ना ये स्ट्रिंग का कोई मास है, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब नॉन इलास्टिक, मतलब यहाँ पे इलास्टिक और नॉन इलास्टिक बोल रहे हैं, इलास्टिक एकदम नहीं है, सॉरी उल्टा बोल दिए, यहाँ पे एकदम इलास्टिक नहीं है, ये चीज को ध्यान रखना है, ये तो गलत हो जाएगा। अगर इलास्टिक होगा तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, हम यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग मांग रहे हैं, रोप मांग रहे हैं, जो मानना है मानो, उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, नॉन इलास्टिक है वो, ठीक है, वो क्या है ना, वो खिंचा नहीं सकता है, बस ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखता है, तो लिखता है यहाँ पे ध्यान से देखना, पुली विच हैज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी इन पोजिशन इज कॉल्ड फिक्स्ड पुली। तो देख तुम लोग ये सीलिंग से ऐसे करके जुड़ा हुआ, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, दीवार से ऐसे क्या है फिक्स्ड, तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली। दूसरा जो सबसे खास बात क्या है, इसका डिफरेंस आएगा फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली में डिफरेंस बता। हम लोग अभी इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट किए, कितने के बराबर आया, वन के बराबर आया, कितने के बराबर आया, वन के बराबर। तो दो डिफरेंस तुमको यही चीज आ जाता है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज वन के बराबर है, उसका देखेंगे कितना आता है। तो पहले तो बात ये हो गया भैया, वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा, वेलोसिटी रेशियो भी वन आएगा, क्यों, इसको कैसे बताए थे वो चीज देखो भैया। अब आप देखिए, आप हम लोग को जो यहाँ पे ये बात बताए कि एक मिनट रुकना, इसको क्लियर कर देते हैं। आप हम लोग को ये जो बात बताए कि ऐसे करके एक पुली बना ले और ऐसे करके यहाँ पे लड़का जो है क्या करेगा, इसको खींचेगा नीचे और लोड जो है ऊपर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लड़का ये रस्सी को खींचा, रस्सी एक्स डिस्टेंस नीचे आया, रस्सी जो है वो कितना मीटर नीचे आया, रस्सी जो है वो कितना मीटर नीचे आया, एक्स मीटर नीचे आया। अगर रस्सी एक्स मीटर नीचे आया तो ये कितना मीटर ऊपर जाएगा, एक्स मीटर ऊपर जाएगा। तो तुम लोग देखो ये जो नीचे खींचा है ये एफर्ट लगाया है, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट कितना हुआ है, एक्स हुआ है। भैया लोड जो है कितना ऊपर गया, एक्स मीटर ऊपर गया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय लोड कितना आ गया, एक्स आ गया। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा, अब आयु शिवम तुम ही बता दे मेरे को, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वेरी गुड, डी बाई डी एल हो जाता है भैया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। भैया देखिए एक्स बाई एक्स आ गया, ये कट के कितना आ गया, वन आ गया। तो यहाँ पे देखिए फिर से वेलोसिटी रेशियो क्या आ गया, एक्स आ गया। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ लगाए कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू कितना रस्सी नीचे लाए, कितना रस्सी ऊपर गया। तो यहाँ पे हम लोग देखे भैया अगर एक्स मीटर नीचे ला रहे तो एक्स मीटर ऊपर भी खिंचा रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ पे निकल गया, दोनों एक्स एक्स आ गया और कट के कितना आ गया, वन। अब आता है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या होता है भैया, इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लोग को बताएगी तनीषा। हाँ भैया, इफिशियंसी का फॉर्मूला, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। वेरी गुड, मैकेनिकल एडवांटेज भाई क्या हो जाता है भैया, वेलोसिटी रेशियो। भैया देखिए मैकेनिकल एडवांटेज वन आ गया, ये भी वन आ गया, तो कितना आ गया वैल्यू, वन। हम तेरे को बताएं वन आया है फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दे, हंड्रेड से कर दे, तो बात एक ही है, ठीक है। तो वन या क्या लिख सकते हैं इसको, हंड्रेड परसेंट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हंड्रेड परसेंट क्या कोई मशीन काम करके देता है, नहीं, ये आइडियल केस है, ये क्या है, आइडियल केस। तो भैया मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आपका क्या होगा, एक्चुअल केस में वन से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इवन आपका क्या इफिशियंसी भी वन से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। लेकिन वेलोसिटी रेशियो क्या चीज के बराबर आएगा, वन के बराबर आएगा, वेलोसिटी रेशियो क्या चीज के बराबर आएगा, वन। हम बार बार तुमको इस चीज पे फोकस करवा रहे हैं कि आउट ऑफ द थ्री पैरामीटर्स एम ए वी आर एंड इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वन से कम होता है, इफिशियंसी वन से कम होता है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो वन के बराबर होता है। तो ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो किस पे डिपेंड करता है भैया, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो ये तीनों पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरा बात खाली। तुम लोग लिखता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस हाउएवर देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन एट द एक्सल। तो तुम लोग को बताएं कि मशीन का कहाँ पे वर्क लग जाता है, एनर्जी कहाँ लग जाता है, टू ओवरकम फ्रिक्शन इन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, यही सब लिखा हुआ था, तुम लोग देखना है अगर पेज पलटा के। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हाउएवर देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन ऑन द एट द एक्सिल और इन द पुली बियरिंग, सो द एफर्ट नीडेड इज लिटिल मोर देन लोड टू बी लिफ्टेड, दस मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन। देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भैया लो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि हमेशा एफर्ट नीडेड इज लिटिल मोर देन लोड, एफर्ट ज्यादा होगा,
भैया अगर एफर्ट ज्यादा हो गया तो सीधा सा बात है, आप देखिए यहाँ पे E इज ग्रेटर देन L, अगर E L से ज्यादा आ गया तो कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या होगा 1 से छोटा ही रहेगा। दस मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, और दूसरा चीज यहाँ पे क्या बता रहा है बट वेलोसिटी रेशियो इज 1, वो वेलोसिटी रेशियो क्या बोल रहा है देख ले, वेलोसिटी रेशियो क्या है 1, क्यों, क्योंकि भैया वेलोसिटी रेशियो डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, वो किस पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और इफिशियंसी भी क्या हो जाएगा भैया 100% से कम हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आया बताओ मेरे को सिंगल फिक्स्ड पुली का काम क्या है, हम तुमको बताएं यहाँ पे फिक्स्ड पुली इज यूज्ड ओनली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू बी अप्लाइड, दैट इज विद इट्स यूज द एफर्ट कैन बी अप्लाइड इन ए मोर कन्वीनियंट डायरेक्शन एंड दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो नीचे बताएगा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखता है, द एडवांटेज इज दैट यहाँ पे इट इज डिफिकल्ट टू सप्लाई एफर्ट अपवर्ड टू लिफ्ट अ लोड अप डायरेक्टली, ठीक है, तुम कोई बाल्टी को मान लो 50 किलो का बाल्टी को उठा भी नहीं सकोगे, ठीक है, अगर उठाना चाहोगे मे बी 7 सीबू लोग सब उठा ले, बट इट बिकम्स इजियर विद द हेल्प ऑफ ए फिक्स्ड पुली, ठीक है, फिक्स्ड पुली से वो क्या हो जाता है आसान हो जाएगा, फिक्स्ड पुली से वो क्या हो जाएगा आसान, क्यों, क्योंकि भैया फिक्स्ड पुली में आप अपना बॉडी का पूरा वेट क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे बाल्टी बांध देते हैं, यहाँ पे आप पूरा बॉडी का क्या लगा दिए वेट लगा दिए, तो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, मतलब वेट लगाने का मतलब आप क्या लगा रहे हो फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो फोर्स। फर्दर टू अप्लाई द एफर्ट डाउनवर्ड वन कैन कन्वीनियंटली मेक यूज ऑफ वन्स ओन वेट फॉर ऑल एफर्ट, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, बस यही चीज बताएं, तो यही है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे और बता रहा है इसके बारे में, चलो देखो सिंगल मूवेबल पुली, अब भैया आया मूवेबल, चलो इसके अरेंजमेंट देखो कैसा है मूवेबल पुली का, पहले तो आप लोग देखो कि अरेंजमेंट कैसे कर रखा है, यहाँ पे क्या चेंजेस आने वाला है, तुम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना, यही सब पूरा चैप्टर का यहाँ पे इसी पे डिपेंड करेगा कि टी कैसे ले रहा है यहाँ पे भैया। अब आप देखिए यहाँ पे मूवेबल और फिक्स्ड में डिफरेंस क्या, हम दोनों डायग्राम तुम लोग के लिए साथ बनाएंगे, तुम लोग खुद बताना, यहाँ पे ऐसे करके हम एक पुली बनाए, ठीक है, और एक पुली बना रहे, पहले तो हमको बताओ यहाँ पे कुछ डिफरेंस लग रहा है देख के तुम लोग को, देख के कोई डिफरेंस लग रहा है दोनों में, कोई बच्चा बोलना चाहता है बोल सकता है, फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड का डिफरेंस है क्या, वेट साथ बोला, साथ बोल वापिस से क्या बोला, सही बोला है साथ, फोर्स जो लग रहा है सिंगल फिक्स पुली में लग रहा है डाउनवर्ड भैया, हाँ ठीक है साथ समझ गए तेरा बात, साथ बोल रहा है कि भैया देखिए यहाँ पे ये जो लड़का है वो फोर्स लगा रहा है नीचे के डायरेक्शन में, पहला केस में, ए केस में हम लिख भी देते हैं ए एंड बी, तो ए जो है आपका भैया ये लड़का जो फोर्स लगा रहा है इज अप्लाइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस बॉय इज अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है साथ, और कोई डिफरेंस बता, तुम लोग सब बता सकता है, क्या हो गया सबको भैया, पहला वाला फिक्स्ड पुली और दूसरा वाला मूवेबल पुली, फिर से बोल, अच्छा ठीक है, यहाँ पे वही चीज हम जानना चाह रहे गरिमा कि सिंगल और फिक्स्ड पुली जो बोल रही है वो कैसे बोल रही है, यहाँ पे भैया कैसे, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल एंड मूवेबल पुली, यहाँ पे आप लोग देखिए कि भैया यहाँ ये पुली जो है वो किससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, सीलिंग से जुड़ा हुआ है, किससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है सीलिंग, दिस इज एक्सल, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे सीधा क्या है फिक्स्ड है, फिक्स्ड पुली का एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होता है, लेकिन आप लोग यहाँ देखिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बुलाया जा रहा है मूवेबल पुली बुलाया जा रहा है, पहले तो तुमको यही समझना है व्हाई इट इज नेम्ड एज मूवेबल पुली, बिकॉज यहाँ पे क्या है भैया यहाँ पे आप देखिए इसका एक्सल जो है वो फिक्स नहीं है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकता है, देयर बाई इट इज नोन एज मूवेबल पुली, ओके। अब यहाँ पे सेकेंड चीज मैकेनिकल एडवांटेज हम तुमको निकाल के बताते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे सब बच्चा, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए भैया यहाँ पे लड़का एफर्ट नीचे लगा रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है, टी ऊपर लग रहा है, तो एफर्ट आ गया टी के बराबर, यहाँ पे भैया देखिए लोड नीचे लग रहा है और टेंशन क्या हो रहा है ऊपर लग रहा है, तो भैया लोड भी किसके बराबर आ गया टी के बराबर, भैया मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू आप ही बताए लोड बाय एफर्ट होता है, तो टी बाय टी कट के कितना आ गया 1 आ गया, तो एकदम साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि सिंगल फिक्स्ड पुली का
सिंगल फिक्स, ये एस सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, वन आ गया, कितना आ गया, वन। सब बच्चा ध्यान देना इस सेकंड चीज का, यहाँ पे भैया एफर्ट लग रहा है ऊपर डायरेक्शन में, ध्यान देना सब, एफर्ट जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर के, और टेंशन भी किधर लग रहा है, ऊपर, टेंशन भी किधर लग रहा है, ऊपर। भैया लड़का फोर्स लगा रहा है ऊपर, टेंशन भी लग रहा है ऊपर, हम लोग को साथ बोला कि भैया लड़का देखिए ऊपर फोर्स लगा रहा है, हाँ लगा रहा है, तो यहाँ भी टेंशन जो है, एफर्ट जो है वो टी के बराबर आ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी किसके बराबर आ रहा है, टी। अब तुम लोग देखो सबसे मेन चीज, भैया ये रस्सी इससे ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ये रस्सी इससे ऐसे करके जुड़ा हुआ है, अगर ये टी है तो यहां से यहां इसमें भी क्या आ गया, टी आ गया, यहां भी टेंशन कितना लग रहा है, ऊपर। जितना ये चीज पहले ही बता देते हैं, जो भी रस्सी जुड़ा हुआ रहता है उसका सेम टेंशन आता है, भैया ये टी है तो ये भी कितना आ गया, टी। अब तुम लोग देखो यहाँ पे भैया नीचे लोड है, लोड जो है नीचे वेट लगा रहा है नीचे, ठीक है, एल लिखते हैं, अब हम लोग लोड के लिए डब्ल्यू लिख नहीं लिखते, एल लिख रहे हैं, क्योंकि लोड हम लोग को यूज करना है इसीलिए, तो लोड नीचे लग रहा है। लेकिन भैया देखिए आप यहाँ पे एक टी और यहाँ पे दो टी, तो ये रस्सी यहाँ पे जो तुमको ब्लैक वाला दिख रहा है, ये टी और ये टी मिलके कितना टी हो गया, टू टी आ गया, ये कितना टी आ गया, टू टी। इसको ना तो ये अकेला फोर्स बैलेंस कर रहा है, ना ये अकेला फोर्स बैलेंस कर रहा है, ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहा है इसके लोड को, तो टी और टी मिलके कितना आ गया, टू टी। तो भैया इसका जो लोड आया वो आ गया टू टी के बराबर, लोड जो आया वो किसके बराबर आ गया, टू टी के बराबर। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा भैया, लोड बाय एफर्ट, टू टी बाई टी, टू टी बाई टी। भैया टी और टी कट गया, कितना आ गया इसका मैकेनिकल एडवांटेज, टी के बराबर आ गया। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया वो लोग फिर से सुनना, हम नहीं बोल रहे कि किसको नहीं समझ में आया, उनको पता है बहुत जन को नहीं समझ में आता है पहली बार में यहाँ पे ये चीज, ठीक है। तो सुन, हम दो बात पहले पहले बोल रहे हैं, दोनों अरेंजमेंट बहुत अलग है। पहला अरेंजमेंट में आपका जो है ये एक्सिस ऊपर से फिक्स्ड है, ठीक है, सीलिंग से क्या है, फिक्स। लेकिन यहाँ पे सीलिंग से फिक्स नहीं है, ये भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, ये रस्सी बंधा हुआ है, ये एक्सल नहीं बंधा हुआ है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे पहला में एफर्ट नीचे लग रहा है लड़का, और यहाँ सेकंड वाले में एफर्ट जो है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। सेकंड वाले में जो एफर्ट लग रहा है आपका किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये भी हो गया, एफर्ट कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज है टेंशन वाला, ठीक है, टेंशन यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और जो सेम रस्सी है उसमें सेम टेंशन आएगा। तो तुम देखो ये वाला रस्सी बंधा हुआ था, हम ब्लैक वाला बोल्ड करके दिखा रहे, ये रस्सी भैया इसमें ऐसे करके बंधा हुआ था, तो आप अगर इसका टेंशन टी ले रहे हो तो ये इधर वाला का भी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है, हाँ सही है भैया। तो ये टी और ये टी दोनों मिलके इस येलो वाले को बैलेंस कर रहा है, ये येलो वाले को क्या कर रहा है, नीचे वाले को बैलेंस कर रहा है। तो ये टी प्लस टी कितना टी ले लिया हम लोग, टू टी ले लिए। अब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ये नीचे लोड लग रहा है, तो ये लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, ये टू टी कर रहा है। तो लोड इक्वल्स टू हम क्या लिख दिए यहाँ पे, टू टी लिख दिए, लोड इक्वल्स टू क्या लिख दिए यहाँ पे, टू टी। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया भैया, टू टी बाई टी, टी टी कट गया और मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, टू आ गया। तो देखो यहाँ पे इसका मैकेनिकल एडवांटेज वन आ रहा है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज वन आ रहा है, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है, टू आ रहा है। तो यहीं पे डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है, ये मैकेनिकल एडवांटेज वन और इधर मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है, टू आ रहा है। तो यही चीज हमको बताना था, ये टी को जो भी नहीं समझ रहा, अभी और क्वेश्चंस देंगे और तुमको उसमें समझ में आएगा, ध्यान देना अभी खाली। अब यहाँ पे देखो पहले इस दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो देख सकते हैं तुम लोग यहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं, अब पुली हूज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवेबल, तो तुम लोग को दिखाए वहां पे कि उसका फिक्स नहीं था, उसको हम लोग क्या कर सकते थे, मूव करा सकते थे। अब देखो क्या लिखता है, इसको छोड़ो अभी, यहाँ पे देखो, तो इसको कैलकुलेट किया, ये सब पढ़ने का काम ही नहीं है, ठीक है, ये सब पढ़ने का कोई काम नहीं है। तुम देखो यहाँ पे टेंशन क्रिएट, यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। भैया यहाँ पे देखिए ये आपका जो एरो दिखा रहा है ना वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ये एरो जो दिखा रहा है वो किधर दिखा रहा है, ऊपर की तरफ, और ये भी इधर ऊपर, ये पूरा रस्सी आपस में जुड़ा हुआ, ये रस्सी आपस में क्या है, जुड़ा हुआ। अगर आपका ये टी है तो ये भी कितना हो गया, टी, और ये दोनों को बैलेंस करने वाला यहाँ पे ये क्या आ गया, ये टी प्लस टी का सम टू टी आ गया, और नीचे इस पे हम लोड लटका दिए। तो ये लोड को जो बैलेंस किया वो कौन किया, वो टू टी किया, और एफर्ट जो आ रहा है आपका, एफर्ट जो आ रहा है यहाँ पे टू टी, एफर्ट जो आ रहा है आपका वो कितने के बराबर आ रहा है, टी के बराबर। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया आपका लोड बाय एफर्ट, तो टू टी बाई टी कर देगा और टी टी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, टू। तो यही देखो मैकेनिकल एडवांटेज बुक में तुम्हारा, देखो कितना यहाँ पे दिखाया निकाल के,
टू के बराबर दिखाया, कितना दिखाया यहाँ पे टू के बराबर, तो यही चीज बता रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा है। उसी तरह से वेलोसिटी रेशियो भी क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो देखो क्या है भैया, आपका रस्सी ऐसे कनेक्टेड था ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ये रस्सी को अगर ऊपर कर रहे हो x मीटर ठीक है, अगर ये x गया तो इधर ये x नीचे आ जाएगा, ये x क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ वाले में जो मूवमेंट आएगा इसके लोड में जो मूवमेंट आएगा वो x बाई टू आएगा, ये दोनों में बट गया, ये दोनों में क्या हो गया बट गया, अगर x इसको ऊपर किए तो ये x नीचे आया, लेकिन ये नीचे वाला लोड जो है वो बस कितना ऊपर आया x बाई टू, तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हुआ x हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हुआ x बाई टू हुआ, भैया वेलोसिटी रेशियो आपका होता है डीई बाई डी एल, डीई बाई डी एल, तो डीई जो है वो आ गया x और dl आ गया x बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा, x और x कट जाएगा, कितना आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो टू, तो देख सकते हो यहाँ पे भी वेलोसिटी रेशियो कितने के बराबर आ गया टू के बराबर आ गया। तुम्हारे बुक में क्या कर रहा है वैसे मत करना, दिक्कत हो जाएगा ठीक है, तुमको जो इतना सिंपल सा तरीका से बता रहे बस यही चीज का ध्यान रखना, ये फिगर जो बनाए कि x ऊपर किए तो x इधर नीचे आया और इधर लोड जो ऊपर मूव करेगा वो कितना मूव करेगा x by 2 मीटर ही ऊपर मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय लोड जो हुआ है दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय लोड वो x by 2 हुआ है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जो हुआ है वो कितना हुआ है x हुआ है, ये चीज का ध्यान रखना तुम लोग। अब इसके बाद भैया देखिए क्या लिखता है, डज यूजिंग ए सिंगल मूवेबल पुली लोड कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग एफर्ट इक्वल टू हाफ द लोड, ठीक है यहाँ पे देखो इन आइडियल सिचुएशन दैट इज सिंगल मूवेबल पुली एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, सिंगल मूवेबल पुली सीधा सा बात है भैया आप मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा ला रहे हैं और जो भी मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा होता है, यहाँ तो कितना आ रहा है दो आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है दो आ रहा है, जो भी मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा आता है वो क्या चीज की तरह एक्ट करता है फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है, क्या चीज की तरह एक्ट करता है फोर्स मल्टीप्लायर, इससे भी निकल गया इसका, तो यहाँ अंडरलाइन कर लो तुम लोग जरा सा ये फोर्स मल्टीप्लायर के, तो अगर हम तुमसे पूछेंगे सिंगल फिक्स्ड पुली क्या चीज की तरह काम करता है तो भैया सिंगल फिक्स्ड पुली आपका चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में हेल्प करता है, सिंगल मूवेबल पुली क्या चीज की तरह काम करता है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, डब्बा बना ले ऐसे ठीक है, ये क्या चीज की तरह काम करता है बस फोर्स मल्टीप्लायर में बनाना ठीक है, ये थोड़ा स्क्रीन मेरा छोटा पड़ जाता है, फोर्स मल्टीप्लायर के तरह करता है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा डिफरेंस करते हैं, पीछे पेज में होगा दोनों का डिफरेंस, तुम लोग देखो उसी पे जो जो अभी सीखा वही चीज डिफरेंस में करेंगे, यहाँ आ गया देख, तो तुम लोग को यहाँ पे हम डिफरेंस बताने वाले थे इसमें, अब चलो देखो यहाँ पे फॉर एन एक्चुअल सिंगल मूवेबल पुली ड्यू टू फ्रिक्शन, अब सुनना ध्यान से, इन पुली बियरिंग्स और एट एक्सल द वेट ऑफ द, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे भी क्या होता है भैया 100% एफिशिएंट नहीं होता है, कारण क्या बता रहा है देख लो तुम लोग, वन और टू पॉइंट बता रहा है, फ्रिक्शन इन द पुली बियरिंग्स और द वेट ऑफ द पुली एंड स्प्रिंग, इसके कारण से आपका एफिशिएंसी क्या आ जाता है, देख बोला मैकेनिकल एडवांटेज, देख सब बच्चा यहाँ पे खास बात, मैकेनिकल एडवांटेज आया भैया दो, वेलोसिटी रेशियो आया दो, लेकिन इफिशियंसी जो आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, वेलोसिटी रेशियो दो लेकिन इफिशियंसी जो आ जा रहा है वो एक आ जा रहा है या 100% आ जा रहा है, तो तुमको समझ में आ रहा होगा क्योंकि भैया दो बाई दो तो क्या हो गया कट गया, तो ये कितना आ गया, अगर परसेंट में निकालना है तो 100% निकाल लीजिए और यानी तो नंबर में क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, तो यही चीज बताए हम तुम लोग को, और यहाँ पे बता रहे सिंस द वेलोसिटी रेशियो रिमेंस टू हेंस इफिशियंसी विल बी लेस देन वन, इफिशियंसी भी कोई भी मशीन का जो आएगा वो हम बता ही रखे वन से कम होता है या 100% से क्या होता है कम। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज था और ये हम टेस्ट में तुम लोग को देंगे जब इसका भी लेंगे, यहाँ पे है अब टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, यहाँ पे हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली को जोड़ते हैं किसके साथ मूवेबल पुली के साथ, अब यहाँ पे अगर तुम लोग जरा सा देखोगे सिंगल फिक्स्ड पुली का सिर्फ एक और एक ही काम है वो क्या है कौन बता सकता है, क्यों सिंगल फिक्स्ड पुली, यहाँ देख एक पुली यहाँ पे और यहाँ पे भी देखिए चार पुली जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक पुली लगा हुआ है और ये वाला जिसमें हम गोल कर रहे हैं वो फिक्स्ड पुली है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ द फिक्स्ड पुली, कोई भी बच्चा बता सकता है, बॉडी का वेट टू अप्लाई एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बॉडी का वेट नहीं बोल सकते हो यहाँ पे, तुमको बताना पड़ेगा कि एफर्ट जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और तुम लोग को भी पता है एफर्ट नीचे लगाने का क्या फायदा है कि भैया बॉडी का वेट लगा सकते हैं ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका, तो नीचे सिंगल फिक्स्ड पुली का यही फायदा हो रहा है कि एफर्ट का डायरेक्शन क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, लिखता है विद सिंगल मूवेबल पुली द एफर्ट इज टू बी अप्लाई इन अपवर्ड डायरेक्शन, सिंगल मूवेबल होता तो एफर्ट कहाँ लगता ऊपर की तरफ, जो अभी हम लोग पीछे बनाए एफर्ट कहाँ लगता ऊपर की तरफ लगता, हाउएवर इट इज एन
inconvenient to apply effort in upward direction. Therefore, a movable pulley is used along with fixed pulley. तो उसके साथ हम लोग क्या use करते हैं? Movable pulley use करते हैं. The load is attached to the axle. अब हम तुम लोग को यहाँ पे tension create नहीं, अब tension निकालना सिखाएंगे. तो चलो और ध्यान दो यहाँ पे क्या होने वाला है. हम तुम लोग को white sheet का use कर रहे हैं और यहाँ पे arrangement बना रहे हैं. देखना हम कैसे drawing बनाते हैं इसका, ठीक है? तब अच्छा देखना है इसको कैसे बनता है. सबसे पहला इसका डायग्राम जो बनना है वो क्या करते हैं, तुम लोग को कोई एकदम डायग्राम बहुत सुंदर नहीं बनाना है, ठीक है? टीचर उस पर मार्क्स भी नहीं देने वाला है. हमेशा ये चीज ध्यान रखना, एक फिक्स्ड पुली लास्ट में इसलिए आता है ताकि हम एफर्ट को किस डायरेक्शन में लगा सके, नीचे. फिर यहाँ पे एक और मूवेबल पुली लगाए. हमेशा ये बात दूसरा ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड वाला सीलिंग से जुड़ जाता है. लेफ्ट हैंड वाला किससे जुड़ जाता है? सीलिंग से जुड़ जाता है, ठीक है भैया? इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे ये लोड ऐसे करके इसमें लटका दिया गया. लोड इसमें ऐसे करके क्या किया गया? लटका दिया गया. भैया इसका रस्सी कहाँ है? ये देख, ये रस्सी इससे जुड़ गया. ये रस्सी क्या हो गया? इससे जुड़ गया. और फिर ये जो है इधर नीचे आ गया. ये इधर क्या आ गया? नीचे. तो तुम थोड़ा सा फिगर ऊपर नीचे हो रहा है वो, क्योंकि स्क्रीन में ऊपर नीचे बन जाता है. तुम लोग बस ध्यान रखना ये इसके ऊपर सटा हुआ है. बस इससे क्या हुआ है? सटा हुआ. ये ऐसे करके रस्सी ऐसे घूम के पूरा इधर से इधर चला गया. हम रेड कलर से भी दिखा देते. ये रस्सी पूरा घूम के ऐसे होके ऐसे चला गया. किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज में, ये समझ जा. अब भैया यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे. ध्यान देना तुम लोग, बहुत इजी चीज है इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना. एक मिनट रुकना. यहाँ पे देख, यहाँ पे जो है यही डायग्राम जो था, तुम लोग को हुक को कुछ नहीं बनाना, डबल भी कुछ नहीं करना है. यही चीज को हम क्या दिखाएगा, ध्यान देना. यहाँ पे भैया लास्ट वाला को बोले आप क्या चीज से जोड़ दीजिए. अभी तो एक है, देखना जब बहुत सारा होगा कितना दिक्कत होगा. तो वही हम तुमको सिखा रहे, कंफ्यूजन एकदम मत रखना. सीधे सीधे भैया वो ऐसे करके इसके यहीं पे गोल बना दिए और ये फिक्स पुली सीलिंग पे जुड़ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है भैया? अब यहाँ पे हम लोग क्या लटका दिए? लोड लटका दिए. यहाँ पे क्या लगा दिए? लोड लटका दिए. सब बच्चा देखना हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा. सब यहाँ पे ध्यान दो. सबसे पहले यहाँ पे ब्लू कलर से हम टेंशन को डिनोट कर रहे हैं. भैया यहाँ से एफर्ट से स्टार्ट करते हैं. एफर्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है भैया? और टेंशन इस रस्सी में किधर लग रहा है? ब्लू कलर से आप बोले भैया दिखाएंगे, टेंशन ऊपर. ये रस्सी ऐसे करके इधर इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है भैया? तो इस रस्सी पे भी टेंशन आ रहा है. कितना आ रहा है? टी. अब भैया ये रस्सी इधर से ऐसे करके ये जुड़ा हुआ है, इस रस्सी पे भी कितना टेंशन आ जाएगा? टी आ जाएगा. अब आप यहाँ पे देखिए ये जो लोड है इसको कौन दो रस्सी पकड़ा हुआ है? एक भैया इसको डीप ब्लू से, या डीप ब्लू नहीं, इसे डीप ग्रीन से दिखा रहे. ये लोड को भैया आपका ये वाला रस्सी पकड़ा हुआ है. ये वाले लोड को कौन रस्सी पकड़ा हुआ है? ये वाला. भैया यहाँ पे देखिए एक टी, यहाँ पे देखिए एक टी. तो ये जो लोड को बैलेंस कर रहा है वो कौन दो मिलके कर रहा है भैया? एक टी ये वाला और एक टी ये वाला. तो लोड किसके बराबर आ गया? टू टी के बराबर आ गया. लोड किसके बराबर आ गया आपका? टू टी. और भैया इधर एफर्ट किसके बराबर आ रहा है? देख ये एफर्ट तो इधर इस पे ये टी लग रहा है, तो एफर्ट किसके बराबर आ गया भैया? टी के बराबर आ गया. तो देख मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लोड बाय एफर्ट हो जाएगा भैया. टू टी बाई टी कर देंगे कितना आ जाएगा? कट के टू आ जाएगा. तो देखिए भैया यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पे निकाले हैं कि ये जो पुली होगा इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा. तो बस यही करना है, यही चीज का ध्यान रखना है. अब एक और बात सुनो, ये सबसे सही तरीका है ये यूज करने का, टी वाला मेथड. लेकिन क्या एक इसमें फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का एक फॉर्मूला है. क्या सुनो, मैकेनिकल एडवांटेज अगर तुमको जानना है कितना है होगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 2 पे पावर n. 2 पे पावर n. व्हाट इज 2 पे पावर n? यहाँ पे n है क्या? n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुली. n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मूवेबल पुली. भैया आप यहाँ पे जितना भी पुली को लटका रहे हवा में, ठीक है, जितना भी मूवेबल पुली है उस पे बस उतना काउंट कर लीजिए. उसको क्या कीजिए? काउंट कर लीजिए. और वही आ जाएगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज. और उसको पावर में लगा दीजिए. तो तुम लोग देखो यहाँ पे भैया आप बताए अभी तुरंत मैकेनिकल एडवांटेज 2 इज इक्वल टू पावर n. यहाँ पे कितना हवा में था पुली बताओ तुम लोग? एक. एक यही वाला हवा में, ठीक है, सिर्फ यही वाला हवा में. तो n का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया.
तो 2 पे पावर कितना आ गया, 1 आ गया, और 2 पे पावर 1 कितना हो जाता है, 2 ही हो जाता है भैया। तो देखिए भैया यहाँ पे आप कैलकुलेट टी के से भी कैलकुलेट किए और ये फॉर्मूला भी लगा है, तो ये चीज ध्यान रखना। नमीरा म्यूट कर ले। तो यहाँ पे टी से भी आया आंसर और इससे भी आंसर आ गया, तो ये चीज ध्यान रखना। तुम फॉर्मूला लगाएगा तो फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में लगता है जहां पे क्या है, जहां पे एक फिक्स्ड पुली यूज हुआ है, ये ध्यान रखना। बहुत सारा अलग अलग फॉर्मूला आएगा तो तुमको यही बता रहे, ये फॉर्मूला वहीं लगता है, 2 पे पावर n वाला फॉर्मूला वहीं पे लगता है जहां पे आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली होगा, दैट इज फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली होगा। कौन बच्चा को देख के बता सकता है इस वाले फिगर का मैकेनिकल एडवांटेज कितना आने वाला है इस फिगर का? वेरी गुड, जो जो बच्चा 8 बोला वो लोग समझ गया। तुम लोग देखो यहाँ पे बताए अभी 2 पे पावर क्या बताए, n, n यहाँ पे क्या बता रहे, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, ठीक है लिख लो तुम लोग कहीं पे, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, n यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में अगर हमको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पे पावर n, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। अब भैया यहाँ पे देखिए इसमें मूवेबल पुली कितना है, 3 है, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ये तो हम लोग ऐसे करके निकाले, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिगर से निकाल के दिखाएंगे, दैट इज टी वाला मेथड यूज करेंगे। अब हम पहले फिगर कैसे बना रहे वो देखना सब बच्चा, यहाँ ये फिगर में ही बहुत बच्चा मार खा जाता है, नहीं बना पाता है, तो तुमको हम सिखा रहे हैं, ध्यान देना शुरू से, ये लास्ट तक, लास्ट टेंथ में जाते जाते बच्चा लोग को नहीं याद रहता है कैसे बन रहा है, नहीं समझ में आता है, तो तुम लोग पहले ही बार में समझ लो इस चीज को। हम तुमको यहाँ पे बताए क्या, पहला फिक्स्ड पुली हमेशा बना लिया कर, क्या बना लिया कर, फिक्स्ड पुली बना लिया कर। फिर भैया यहाँ पे बोले कि एक अरेंजमेंट बनाओ, क्वेश्चन आएगा कैसे सुने, एक अरेंजमेंट बताओ जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 8 है, जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 8। तो हम सोचे ऐसे करके 8 है, हाँ ये 2 का पावर दिख रहा है मेरे को। अब यहाँ पे देखो, अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज 7 बोलते तब तुम नहीं बना सकता था ये पुली, ठीक है, या 6 बोलते तब भी नहीं बना सकता, बस ये 2 के पावर में आएगा। अगर अभी 8 आ रहा है तो अब नेक्स्ट हम लोग अगर इस फॉर्मूला से बनाना चाहते तो बताओ तो कितने का होगा, 16 का होगा, वेरी गुड सैम, किसका हो जाएगा 16, क्योंकि भैया ये 2 पे पावर 3 है, तो नेक्स्ट 2 पे पावर 4 होगा, नेक्स्ट 2 पे पावर 5 होगा, उसके बाद 2 पे पावर 6 होगा, 32, 64 ऐसे होते जाएगा, जो कि सिलेबस में नहीं है तेरे, तो तुमको ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता और नहीं पूछ सकता है। तो भैया इतना है, तो 2 पे पावर n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया। देखो हम कैसे, हमको दिमाग में आएगा कि मेरे को 3 लेना है पुली, तो 2 पे पावर n आ गया, 2 पे पावर n इज इक्वल्स टू 2 पे पावर क्या आ गया, 3, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 3। इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 मूवेबल पुली लेना पड़ेगा। तो चलो अब हम बना देते 3 मूवेबल पुली, कैसे बनाए भैया, बस अभी चक्का बना रहे और कुछ नहीं बना रहे, ये ले चक्का रेडी है, सारा चक्का का लेफ्ट हैंड, ठीक है तुम लोग अपना लेफ्ट हैंड सोच लो, सारा चक्का का लेफ्ट हैंड को सीलिंग से जोड़ दे, इसको भैया जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, सारा चक्का का लेफ्ट हैंड किससे जोड़ दिए, सीलिंग से जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भैया लास्ट से चालू करते हैं, इसमें लटका दिए लोड, इसी में आएगा लोड, इसमें क्या लटका दिए, लोड। अब भैया क्या करे, अब कुछ नहीं करना है, राइट हैंड को पुली से जोड़ते जा, राइट हैंड को किससे जोड़ते जा, पुली से जोड़ते जा, ये भी इसको भैया हम ऐसे करके जोड़ देते और यहाँ भी इसको ऐसे जोड़ के ये हम नीचे की तरफ लगा दिए, ताकि हम लोग इस तरफ क्या लगा सके, एफर्ट लगा सके, क्या लगा सके, एफर्ट। अब पहले हम देखो 3 का जो बना था वो 3 पुली लगा दिए, अब देखो यहाँ पे टी के हिसाब से कैसे आने वाला है, ध्यान देना सब बच्चा, यही मेन चीज है, अब नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पे अब हमको टी के हिसाब से आप कैलकुलेट करके दीजिए कितना मैकेनिकल एडवांटेज आने वाला है। तो देख सब बच्चा, हम स्टार्ट करते ब्लू कलर के इंक से लिखने का, यहाँ पे ये हुआ भैया टी ऊपर, ये रस्सी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका भी कितना आ गया, टी आ गया। अब ये रस्सी इससे जुड़ा हुआ है, ये कितना आ गया, ये टी है, ध्यान देना ये टी है, तो ये भी कितना आ जा रहा है आपका, टी आ जा रहा है, ये कितना आ जा रहा है आपका, टी आ जा रहा है, ये टी था, ये भी कितना आ गया, टी। थोड़ा फिगर को हम और अच्छे दिख रहा है ना तुम लोग को, अब देखो ये वाला भैया, देखिए ये टी और ये टी मिलके, ये वाला जो रस्सी तुमको ऐसे करके थोड़ा ज्यादा घुमा दी, ये वाला जो था मैं ऐसे बना देते एक बार, इस पे ये टी और ये टी मिलके कितना टी बना देगा, 2t बना देगा, कितना बना देगा, 2t। अब भैया ये रस्सी देखिए ये ऊपर हवा में ऐसे करके जुड़ रहा है,
तो अब देखो ये अगर 2t था तो ये भी कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2t। अब आप भैया देखिए ये 2t और ये 2t ये मिलके कितना हो गया 4t हो गया, कितना t हो गया 4t हो गया। अब भैया ये वाला जो रस्सी है ऐसे वापिस से, इस पे कितना फोर्स लग रहा है 4t, ये रस्सी जाके फिर इससे जुड़ गया, तो अगर ये 4t है तो इस पे भी कितना आ गया 4t आ गया। अब 4t और 4t मिलके इस रस्सी पे कितना फोर्स लगा रहा है 8t लगा रहा है, कितना लगा रहा है 8t। तो लोड देख कितना आ गया 8t आ गया, और एफर्ट यहाँ पे तुम लोग देख फर्स्ट केस में एफर्ट यहाँ पे कितना लग रहा था, ये रहा एफर्ट भैया एफर्ट ही लग रहा था। तो देखिए भैया मैकेनिकल एडवांटेज आ गया आपका लोड बाय एफर्ट, लोड आपका हो गया कितना 8t और एफर्ट भी कितना आ गया t, t और t कट गया, ये किसके बराबर आ गया 8 के बराबर आ गया। यही चीज तुम लोग को करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है, मे भी किसी को नहीं समझ में आया होगा, एक बार वीडियो भेज देंगे तुम लोग वापिस से देखना, ठीक है। बस यही चीज है इसमें और कुछ नहीं है। आज हम तुमको ब्लॉक एंड टैकल चालू अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तुमको सिंगल और फिक्स्ड पुली ही बताए। आज ये लास्ट टॉपिक बता देते खाली, सिंगल फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली में क्या अंतर है। तो देख क्या क्या बताए, सारा पॉइंट्स वही अभी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ फिक्स्ड या रिजिड सपोर्ट, तुम देखो ये भैया ऊपर सीलिंग से जुड़ा हुआ था फिक्स्ड पुली, लेकिन मूवेबल पुली नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है। इट आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज इज वन, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज कितना बता रहा है 1, और मूवेबल का कितना निकाले 2। इसका वेलोसिटी रेशियो भैया 1 निकाले, इसका कितना निकाले 2। चौथा पॉइंट, द वेट ऑफ पुली इटसेल्फ डज नॉट अफेक्ट द मैकेनिकल एडवांटेज, वेट का कोई लेना देना नहीं है मैकेनिकल एडवांटेज से, लेकिन मूवेबल में वेट का लेना देना है। द वेट ऑफ पुली रिड्यूसेस द मैकेनिकल एडवांटेज, ध्यान रखना इस चीज को, चौथा पॉइंट को, वेट जो है मैकेनिकल एडवांटेज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। फिर यहाँ पे देखो पांचवा सबसे खास बात हम बताए तुम लोग को, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया था भैया, मैकेनिकल एडवांटेज इसका 1 आया था, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया था 2 आया था। इसको भी पॉइंट बना लो, अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो ये क्या चीज की तरह काम करेगा, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, और यहाँ पे ये क्या चीज की तरह एक्ट करेगा भैया, फोर्स मल्टीप्लायर, यही पॉइंट है, देख लो। द टोटल यहाँ पे नहीं मैकेनिकल एडवांटेज, हाँ दिया हुआ था ऊपर। फिर यहाँ पे देखो, इफ द लोड मूव्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू एफर्ट, साफ साफ बात है भैया एफर्ट नीचे लगता है तो लोड कहाँ जाता है, ऊपर। लेकिन यहाँ पे मूवेबल में क्या होता है भैया, लोड भी ऊपर लग जाएगा और एफर्ट भी क्या होगा, ऊपर जाएगा। फिर सेवन पॉइंट, द एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट मूव एट इन स्पेस, लेकिन यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, मूव करता है, इसीलिए तो हम लोग भैया इसको क्या बुला रहे हैं, मूवेबल पुली बुला रहे हैं। तो यहाँ तक जो बताए हैं आज देख लेना, आगे हम नहीं बता रहे क्योंकि ब्लॉक और टैकल थोड़ा सा अलग टॉपिक है और तुम वहां भी फंसोगे, लेकिन हम चाहते हैं पहले तुम लोग टेस्ट देके खत्म करो और उसके बाद इसका न्यूमेरिकल।